Hello everyone, welcome back to the another very new episode of Rock Shouter. I am Arshita. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ. जी हाँ दोस्तों, पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों? पोर्टफोलियो आपके आर्टवर्क का, आपके अचीवमेंट का, आपके कमीशन वर्क का, आपके ऑनर का, जो भी आपसे आर्टवर्क से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका एक कलेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी. अगर आप कहीं कोलैबोरेशन करने जाते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हो, तो आपका ये जो पोर्टफोलियो होता है वो आपको शो करेगा एज अ प्रोफेशनल, और एक व्यूअर्स के सामने एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. अगर आप फ़ोन में दिखाओगे तो इट शोज़ यू एज अनप्रोफेशनल. आप एक एक आर्टवर्क स्वाइप करके दिखा रहे हो तो इट शोज़ यू एज एन अनप्रोफेशनल. तो अगर आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है या डिज़ाइनर बनना है तो अपना पोर्टफोलियो ज़रूर मेंटेन करें. तो दोस्तों आगे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि पोर्टफोलियो कैसा दिखता है. तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाती हूँ, और वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा. दोस्तों आप ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है. इसमें मैंने अपने एक एग्जीबिशन हुई थी वहाँ का एक फ़ोटोग्राफ है जो मैंने लगा रखा है. उसके साथ साथ नेक्स्ट पेज में मैंने अपने कुछ स्टोन आर्ट के वर्क लगा रखे हैं, और इसी तरह मैंने नेक्स्ट पेज में भी अपने कुछ स्टोन आर्ट के वर्क लगा रखे हैं. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मीडिया फीचर्ड. अगर आप कहीं पर फीचर्ड किए गए हो या आपका कहीं वर्क दिखाया गया हो तो उसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में लगाएं. अपने जो स्पेशल अचीवमेंट है, जैसे ये मैंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 101 स्टोन आर्ट बनाए थे, सर रतन टाटा जी के ऊपर मैंने ये बनाया था, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं. आपके कमीशन वर्क है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं. उसके बाद अपने जो भी आप यूनिक आइटम्स बनाते हैं वो आप लगा सकते हैं. उसके बाद अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल का जो भी पेज है आप उसको लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में. ये व्यूअर्स के सामने बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करेगा. तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप अपना अपना पोर्टफोलियो ज़रूर बनवाएं. तो मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय.